नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई क्राइम नहीं हुआ है, फिर भी विपक्षी दल के लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह से हथकंडे केंद्र सरकार अपना रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र का राज है, लोकतंत्र में सत्ताधारी दल विपक्ष को सामान्य नजर से देखता है। इस मामले में नोटिस देकर लोकतंत्र की गरिमा को घटाने का प्रयास किया गया है। इससे हम नाराज हैं, बहुत दुखी हैं और हम इसके विरोध में पूरे देश में ईडी दफ्तरों का घेराव करेंगे। नोटिस और समरी का मतलब यह होता है कि भाई हमने किसी को एक मुद्दे को सुना है, उसने अपनी बात कही है, हम आपसे अब पूछना चाहते हैं कि क्या ये मुद्दे की बात ठीक है कि नहीं, तो आपको इस मुद्दे को क्रॉस एग्जामिन करने का और उसके विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलता है। अभी उस स्टेज पे केस होगा, जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था या स्टार्ट हुआ था,